बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी कौम भी अजीब कौम है। इसका तारफ दुनिया में एक मजहबी इंतहा पसंद कौम के तौर पर होता है, जहाँ शायद औरतों को घरों में बंद करके रखा जाता है, उन्हें तालीम दी जाती है और ना ही तरक्की के मौके। ये तासुर दुरुस्त है या गलत, आए इस वीडियो में देखते हैं। अरफा करीम का ताल्लुक ना तो किसी बड़े सियासी घराने से है और ना ही ये किसी बैन अल-कौमी तालीमी इदारे से फारिग तहसील है। इसका तारफ तो पाकिस्तान से भी तब हुआ जब इसको सिर्फ 9 साल की उम्र में यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल के तौर पे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया। फिर पाकिस्तान और बैन अल-अक़वामी इदारों ने इस पर इनामात की बारिश कर दी। आयशा फारूक पाकिस्तान की पहली फाइटर पायलट हैं। एक खातून के लिए पायलट होना ही बहुत आसान काम नहीं है और फाइटर पायलट होना तो बहुत मुश्किल काम, और आयशा फारूक पाकिस्तान की पहली फाइटर पायलट हैं। जबकि मरियम मुख्तार ना सिर्फ फाइटर पायलट हैं बल्कि वो पहली फाइटर पायलट शहीद हैं। क्या हम नसीम हमीद को भूल सकते हैं, जिसने 100 मीटर रेस में साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया, और अब हाल ही में ACCA के इम्तहान में जारा नईम डार ने तो हद ही कर दी। उसने दुनिया भर के तमाम ममालिक से आए हुए तलबा में सबसे ज़्यादा नंबर लेकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। पाकिस्तान के ये चेहरे अनमोल हीरे हैं जिन्हें दुनिया पिछले चंद सालों में जान पाई है, लेकिन अभी इन सितारों से आगे जहां और भी हैं। थैंक यू वेरी मच।